तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी रेंज पे वीवी के थ्रू डेटा का एडिशंस कैसे करेंगे, इसकी कंसेप्ट, और साथ में हम एक फॉर्म पे भी डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं और कोई माइक्रो का नाम, जैसे कि मैं आरआर ले लेता हूँ कि हमने माइक्रो डिक्लेरेशन किया वीवी एडिटर में जाके। अब मैं चाहता हूँ कि A1 के ऊपर कोई वैल्यू लिखना, ठीक है, एक्टिव शीट के A1 के ऊपर। तो जैसे कि मैंने लिख दिया कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर आप टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कमा में लिखे, नंबर है तो इन्वर्टेड कमा लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका क्या है लिखने का कि हम रेंज ए, जैसे कि B1 डॉट वैल्यू, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली में इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे रॉल लिख दिया। और तीसरा यहाँ पे वह है कि रेंज A1 डॉट C1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, हम दे देते हैं मार्क्स। तो टाइपिंग करते समय तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वैल्यू को टाइप कर देगा, समझ गए। और एक हाँ आप सेल्स को ले सकते हो, सिलेक्शन को ले सकते हो, एक्टिव सेल को ले सकते हो, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो। अब इसमें एक एक दिक्कत और आता है यहाँ पे कि अगर मुझे किसी सेल, किसी अनदर सेल से मैं चाहता हूं कि H1 की वैल्यू को मैं A1 पे डालू, ठीक है। एक तो होता है, एक तो तरीका क्या है, एक तरीका है कि रेंज H1 डॉट कॉपी और फिर रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और एक्टिव शीट, क्योंकि तो पेस्ट जो है वो रेंज का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, का पार्ट। एक तरीका आपके पास ये है, लेकिन दूसरा तरीका, हमें जैसे उसकी वैल्यू लेनी है, हमें उसकी फॉर्मेटिंग नहीं लेनी है, हमें उसकी बाकी चीजें नहीं लेनी, उसमें जो टाइप की गई वैल्यू है वो उठाना है। तो उसका एक तरीका यहाँ पे है कि A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज H1 डॉट वैल्यू, समझ गया। हाँ तो जिस पे वैल्यू आएगी वो लेफ्ट साइड होगा, और जिस पे, जहां से वैल्यू आएगी वो हमारा राइट साइड होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपके H1 में अगर आपकी वैल्यू फॉर्मूला से कैलकुलेट होके आ रही है, जैसे कि H60+30, तो भी आपका यहाँ पे 90 ही आएगा, समझ गए। हाँ, क्योंकि वो वैल्यू पुट अप कर रहा है वहां से, इसलिए लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे लिख दें डॉट फॉर्मूला, तब क्या तो वो होगा, फॉर्मूला पुट अप करेगा, तब वो वो फॉर्मूला पुट अप पूरे का करेगा। पूरा फॉर्मूला यहां से उठाएगा एंड कॉपी करके यहां पे वो पेस्ट करेगा, समझ गए। तो टाइप हाँ करते सर, समय आप वैल्यू टाइप करो या फॉर्मूला टाइप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी वैल्यू से अगर आप उठाते हो तो फर्क पड़ता है कि वैल्यू उठाओगे तो जो वैल्यू टाइप का होगा और फॉर्मूला उठाओगे तो पेज जो फॉर्मूला टाइप का होगा, समझ गए। लेकिन हाँ सर, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ वैल्यू लिखने की बात कर रहे हैं, तो हमने वैल्यू लिखा, तो अभी हमारा एक्टिव शीट जो है उस शीट में लिखा जा रहा है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूं शीट 2 पे। तो दो तरीके हैं, कि पहला तरीका आपका यहां है कि आप लिखें कि शीट्स, और यहां पे दें कि C2 डॉट सेलेक्ट, ठीक है, और फिर रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हम करते हैं नेम, ठीक है।
लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि सीट्स डॉट सीट टू डॉट रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ के आता है कि हमने आपको लास्ट क्लासेस में जब मैं रेंज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि किसी रेंज को सिलेक्ट करना है तो आप लिखेंगे रेंज वन डॉट सिलेक्ट। तो एक्टिव सीट का हुआ, अगर किसी पर्टिकुलर सीट का रेंज सिलेक्ट करना है तो लिखेंगे सीट्स और यहाँ पे सीट टू या जो भी है आपका डॉट सिलेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो आपका है प्रॉपर्टी नहीं है, आपका एक्शन है, मतलब कि मेथड है और मेथड को आपको वन बाय वन करना है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हैं आप तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर वर्कबुक पे कोई डेटा डालना है कि एक मुझे बुक वन बुक टू के शीट टू के रेंज ए वन को नेम लिखना है तो उस केस में यहां पे आपको लिखना होगा वर्क बुक्स और यहां पे हम करेंगे बुक वन डॉट एक्सएलएस या एक्सएलएस एम। सर एक्सएलएस एम क्या है? एक्सएलएस एम जो होता है वो माइक्रो अनेबल वर्कबुक होता है। ओके माइक्रो अनेबल वर्कबुक, ठीक है। और इस तरह से लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी किसी रेंज टू रेंज को वैल्यू कैसे लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया, किसी सीट किसी सीट के वैल्यू को किसी अनदर सीट के वैल्यू पे कैसे लिखेंगे वो भी आप सीख गए। जैसे कि यहाँ पे मुझे रेंज वन चाहिए तो आप यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं कि सीट सीट वन डॉट रेंज। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर वर्कबुक से बुक टू का चाहिए तो फिर आपको बुक टू भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों साइड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक सेल वैल्यू को अनदर सेल वैल्यू पे डालते हैं तो एक सेम सीट में कर रहे हो तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर अनदर सीट पे कर रहे हैं लेकिन फाइल आपका एक ही है तो जरूरत है। ठीक है सर, और फाइल टू फाइल कर रहे हैं तो भी जरूरत है। समझ में आ गया सर? हाँ सर। डाउट इसमें? नो डाउट। अगर सर हमारी कोई फाइल बंद है, अगर उस मतलब पर्टिकुलर कोई फोल्डर है तो मुझे और वो वर्कबुक पहले एक्टिवेट करना होगा, देन फोल्डर फिर ओपन करना होगा। पहले फाइल को ओपन करना होगा, बिना ओपन किए हुए नहीं चल। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। ओके okay, अब आगे बढ़े इसमें। अगला टॉपिक हमारा ये आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि हमने बोला कि हमें मान लीजिए कि एक साथ कई सारे सेल में वैल्यू लिखना है, जैसे कि मैं ए वन से लेके ए टेन पे मैं मान लीजिए 100 लिखना चाहता हूं, तो यहां पे आप दे सकते हैं कि रेंज ए वन से लेके ए 10 डॉट वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप देखेंगे 100, 10 में मुझे 100 चाहिए तो 100 आप इस तरह से लिख सकते, मेरे एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए। तो यहां पे देखिए हमने इसको प्ले किया
तो आप देखिए यहाँ पे लिख गया, ठीक है सर। हाँ सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पास वैल्यू है, जैसे कि 85 लेता हूं, कि मुझे ए डी वन की डी वन से लेके डी टेन की वैल्यू को मुझे इस पे करना है। यानी मान लीजिए कि डी वन की जो वैल्यू है उस पे हमें करना है, तो आप एक सेल से बहुत सारे सेल्स को भी कर सकते हो। कि मैं यहां पे लिखूंगा कि रेंज ए वन से लेके ए टेन डॉट डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज डी वन डॉट वैल्यू। हेलो हेलो, तो यहाँ आप देखिए कि आपके सामने, हेलो सर, वीडियो ब्रेक हो रही है बार बार, क्या हो रही है? हेलो कमरान जी, क्या दिक्कत है? वीडियो आपको बाद में आ रही है, आप जो पहले बोल रहे हो बाद में आ रहा है सारा। सर आपकी तरफ की प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से प्रॉब्लम होती है सबको। सर जो आपने टाइप करा वो बहुत बाद में आ रहा है। अब बिहारी जी आपकी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं मुझे तो कंटिन्यू आ रहा है। कामरान जी आपके तरफ से प्रॉब्लम है, आपका नेट स्लो है, प्लीज नेट को सही करें। तो एक सेल से कई सारे सेल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए कि 85 के मैं बोलता हूं कि मैं तीन है, और मैं चाहता हूं कि ए टेन की वैल्यू पे डी वन से डी थ्री की वैल्यू को करना, तो थ्योरिकल तो प्रूफ नहीं है, मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। कि यहां पे मैं लिखूंगा कि रेंज डी वन से लेके डी थ्री, ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूं, एक मिनट, बाकी कोड नहीं चलने चाहिए, तो मैंने इसको सिंगल कोड लगा के इसको क्या कर दिया, डेड कर दिया, कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। डी वन से डी थ्री, अच्छा डी थ्री डॉट वैल्यू करना चाहिए, सारा वैल्यू देख रहा आपने हट गया। कि पहले से मान लीजिए कि 100 टाइप किया हुआ है, और फिर मैं अपने इस माइक्रो को अगर रन करता हूं तो क्या होता है, समझ आया सर आपको? तो आप एक कई सारे सेल पे एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल सकते हो, एक सेल पे एक सेल की वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन एक छोटे से मतलब कम सेल को ज्यादा सेल पे वैल्यू डालोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्या अगर मैं बराबर सेल पे वैल्यू डालू, मतलब कि डी टेन तक की वैल्यू डालू, तो क्या होगा? कि यहां पे मैं इसी को कॉपी करता हूं, कॉपी एंड पेस्ट, कि मैं डी वन से लेके डी टेन की वैल्यू डालता हूं तो क्या परफेक्टली आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो जहां जितने एरिया पे आप वैल्यू डाल रहे हो उतना ही एरिया आपके पास है तो आपका डेटा आ जाएगा, या फिर एक ज्यादा एरिया पे किसी एक सेल की वैल्यू आप डाल रहे हो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर कम सेल की वैल्यू ज्यादा सेल पे डालेंगे, जितना सेल है उतना सेल की वैल्यू तो दिखेगी, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि बाकी वैल्यू जो बचेगा उसमें एन में आ जाएगा, समझ गए? तो उस केस में मान लीजिए कि मुझे ज्यादा सेल की वैल्यू जो है इस पे डालनी है, तो फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन कॉपी पेस्ट में भी आपको कई बार कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर लूपिंग का मेथड और आगे और भी मेथड है, उस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझ गए? तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब रेंज को आप लोगे और रेंज के हिसाब से जो करना है यहाँ पे आप कर सकते हो,
और एक पर्टिकुलर सेल पे कैसे वैल्यू डालोगे, ये तो समझ में आ गया आपको? हेलो, कोई डाउट सर इसमें? नो डाउट। ये हमारी टॉपिक थी कि हम एक पर्टिकुलर सेल पे कैसे हम फाइल को डालें। लेकिन अगर आप अगर वैल्यू डालना चाहते हैं सबसे लास्ट में, नेक्स्ट वैल्यू, मतलब कि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे अगली ब्लैंक वैल्यू है उस पे मैं 85 की जगह 86 करना चाहता हूँ, समझ गए? मुझे पता नहीं कि वैल्यू कहाँ तक, हो सकता है कि वो वैल्यू वो सेल जो है 11 माह से लो, हो सकता है 15 माह से लो, सबसे लास्ट वाली वैल्यू के अगली सेल में, अगली ब्लैंक सेल में मुझे अपनी वैल्यू को डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करूंगा, हमेशा तो इसमें आता हूं, यहां लिखूंगा कि रेंज, और रेंज में मैं लिखूंगा कि ए 65,000 डॉट एंड एक्स स्लैश अप डॉट ऑफसेट वन। ऑफसेट क्या करते हैं? डॉट वैल्यू बताता हूं सर, इक्वल टू 86. अब ऑफसेट क्या करता है? उससे पहले एक्सेल एंड अप क्या कर रहा है, इसमें ना रहा आपको? यस सर। एक्सेल अप क्या कर रहा है, ये आ रहा है आपको? एक्सेल अप वो सर नीचे लास्ट कॉलम पर जाएगा, नीचे डाउन। हाँ, ये क्या फिर वो अप स्टेप जाएगा। हाँ, ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पे लास्ट सेल में पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, लास्ट सेल की ब्लैंक वैल्यू, क्या? तो ऑफसेट का काम क्या है कि जहां पे आपका कर्सर रुका हुआ है वहां से वो एक रो नीचे या ऊपर या आगे या पीछे कर सकते थे। जो ऑफसेट आप लगाते हो तो उसमें यहाँ पे आपको 0.1, 0.2 इस तरह से दिखता है, ठीक है सर? तो ये आपका रो है, ये आपका कॉलम, तो मैंने बोला कि जब लास्ट सेल पे जाए उससे एक से रो नीचे आ जाए, अगर मैं यहां पे माइनस दूंगा तो एक रो ऊपर चला जाए, ठीक है? उसी तरह से कॉलम मैंने दिया वन, तो जो A10 पे है वो A10 से A11 B10 पे चला जाए, ठीक है? और माइनस वन करूंगा तो B10 पे है तो A1 पे आ जाएगा। तो हमें कॉलम तो सेम ही रखनी है, कॉलम तो चेंज करना नहीं है, इसलिए हमने यहां पे 0 कर दिया, मतलब कि सेम कॉलम, समझ गए सर? समझ आ रही जी, समझ में आया आपको? हाँ सर आया। मैं संतोष बोल रहा हूँ, यहां से ऊपर जाएगा, एक कर्सर नीचे आए, ऑफसेट का काम है कर्सर को मूव करना, ऑफसेट का वही काम है जो आपको एरो की का काम, प्लस में वो नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, माइनस में वो ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ जाएगा, समझ गए?
तो जो आपको एरो की ये काम है वो आपका ऑफसेट है। तो आप लोग इसकी आवाज बिहारी जी इस पे आप अच्छी अच्छी तरह से इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम ऑफसेट को और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में वैल्यू कैसे डाले। और सर आज की वीडियो और सिलेक्शन मेथड रेंज की वीडियो मिल जाएगी? मैं यूट्यूब पे पड़ी है, ले लीजिए क्लास 1 क्लास 2 के नाम से लास्ट लेटेस्ट वीडियो ही है। ठीक है। और सर आज की मिल जाएगी ये वाली? हाँ ये भी यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा थोड़ा देर में। और सर एक एक्सेल में